कांट में बच्चियों के साथ हुई वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। घटना में एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी, जबकि दूसरी बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। यह हत्या बलात्कार के प्रयास में विफल होने पर की गई थी। पुलिस ने अनिल उर्फ चमेली नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी बरामद हुई है। आरोपी अजीजगंज बिहार बस्ती का रहने वाला है, जो बच्चों को शहद खिलाने के नाम पर सरसों के खेत में ले गया था। फिलहाल डीआईजी राजेश कुमार पांडे ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। शुरुआत करेंगे इसी बड़ी खबर के साथ आज के खास बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। कांड क्षेत्र में मासूम बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी भरी वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अजीजगंज के रहने वाले अनिल उर्फ चमेली को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बच्ची की हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई है। आरोपी दोनों बच्चियों को शहद खिलाने के नाम पर खेत में ले गया था, जहां 8 साल की बच्ची के साथ उसने रेप का प्रयास किया था। बच्ची के चिल्लाने पर उसने एक बच्ची की हत्या कर दी थी, जबकि दूसरी बच्ची मरणसन्न हालत में मिली थी। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जलालाबाद के गुनारा गांव में बिजली के तार से निकली चिंगारी ने एक झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। चिंगारी से झोपड़ी में भीषण आग लग गई। परिवार के लोग घर के बाहर निकल आए, लेकिन 10 साल की बच्ची की झोपड़ी में जिंदा जलकर मौत हो गई। बच्ची की मौत से पूरे घर में कोहराम मचा हुआ। कॉलेज की छात्रा को जलाए जाने के मामले में पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। पुलिस सभी तथ्यों और सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो छात्रा के साथ घटना को अंजाम देने वालों में उसके मिलने वाले ही शामिल हैं। इस मामले में जल्द ही पुलिस खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि बरेली मोड़ स्थित डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा 2 दिन पहले रिंग रोड के पास खेत में अधजली हालत में नग्न अवस्था में मिली थी। फिलहाल उसका लखनऊ में इलाज चल रहा है, जहां उसने महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। कॉलेज की छात्रा को जलाकर मारने के प्रयास के मामले में आज दैलिक समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में जमकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे दैलिक समाज के लोगों का कहना है कि छात्रा के साथ हुई घटना के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही जिन लोगों ने छात्रा को जलाकर जान से मारने की कोशिश की है, उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जाए। थाना सदर बाजार क्षेत्र के दुर्गा होटल के पास हो रहे अवैध निर्माण को सिटी मजिस्ट्रेट ने रुकवा दिया और भवन को सील कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि राकेश यादव और शोभा यादव बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण कर रहे थे, साथ ही पड़ोस में दूसरे का प्लाट भी कब्जा कर रहे थे। शिकायत के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। उनका कहना है कि बिना मानचित्र के बन रहे आवासों और निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी रहे परम स्वरूप सागर को लेकर सपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कल इस्तीफा दे दिया था। आज उनकी तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने पर इस बात की चर्चा है कि वह साइकिल पर सवार हो सकते हैं। तेलहर में समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुखवीर सिंह चौहान एडवोकेट ने तमाम सपा कार्यकर्ताओं के साथ तहसील में धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार तृप्ति गुप्ता को राज्यपाल के नाम से 4 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में डीजल, पेट्रोल, रसोई के साथ बीज के बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर की गई और जल्द ही गन्ना भुगतान कराए जाने की मांग की।
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने आज 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इनमें मुख्य रूप से नाबालिग बच्चों के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी दिलाए जाने की मांग की है, साथ ही छात्रा को जलाकर मारने के मामले में भी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को कम किए जाने की मांग की गई है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया। कुटार पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ताश के पत्ते और नकदी बरामद हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ताश के पत्ते व नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त विमल, मुकेश, गोपी कृष्ण, राम कुमार, रंजीत सिंह और रोहित हैं। सभी अभियुक्त खुटार थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी, टेम्पो, रिक्शा में सफर कर रहे हैं तो अपने पड़ोस में बैठे जेब कतरों से भी सावधान रहें। पुआया में लोगों ने एक महिला को पकड़ा है, जिसने साथ में सफर कर रही महिला का पर्स और मोबाइल चोरी कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके महिला को जेल भेज दिया है। जलालाबाद के ब्लॉक सभागार में पड़ोस युवा संसद एवं कैच द रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी धनकौर सिंघवाल और प्रधानाचार्य कृष्णपाल सिंह ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जिला परियोजना अधिकारी विनय कुमार ने जल संचयन एवं पड़ोस युवा संसद के अंतर्गत विषय में दार रैन पर चर्चा की। आदर्श पब्लिक सोशल समिति ने भी नाबालिग बच्चियों के अपहरण और हत्या के मामले में तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने सरकार की किसान नीति का भी विरोध किया, साथ ही महंगाई को कम करने की भी मांग की गई है। कार्यक्रम का नेतृत्व मोनिस ने किया। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना सेरामऊ दक्षिणी और सदर बाजार पुलिस ने 1-1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं मदनापुर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ब्रह्म स्वरूप सागर के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी शाहजहांपुर के 11 पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इनमें ज्यादातर विधानसभा और ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इन इस्तीफों से अब कांग्रेस की हालत यहाँ खराब होती नजर आ रही है। थाना कलान पुलिस ने कच्ची शराब के साथ ब्रजलाल नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं मौके से बरामद की गई 200 लीटर लहन को पुलिस ने नष्ट करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बजरंग दल के विभाग मंत्री अर्पित भामाशाह ने तिलहर के कछियानी खेड़ा मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने महंत राम लखनगिरी से भी मुलाकात की। यहां उन्होंने मंदिर को हटाए जाने को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन करने की भी बात कही। शाहजहांपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से कार्रवाई करते हुए 28 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 300 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से बरामद की गई 7 भट्टी और 2100 लीटर लहन को नष्ट करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।